वेलकम टू आवर किचन जी। तो आज एज प्रॉमिस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो स्पेशल कॉफ़ी, चूँकि फूड कॉर्नर खाना मदोश जो है वो उसकी जगह पे आज हमने व्लॉग किया है। हमारे आने वाले सफ़र का पहला जो ट्रेवल व्लॉग है वो शुरुआत की है, चूँकि ये मेरा पहला व्लॉग था तो इसमें वो थोड़ी सी शाइनेस या बाज़ दफ़ा बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैंने क्या कहना है और क्या नहीं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रगल है और मैं पहले बता चुका हूँ इट्स अ 50-year-old मैन स्ट्रगल, ये जदोजहद है एक बूढ़े की, 50 साल बंदे की व्लॉगर बनने की। हम लोग जो यंगस्टर हैं उनको कम्पीट तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको टफ टाइम ज़रूर दूंगा, मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक है, हम उस तरह से एनर्जेटिक भी नहीं होंगे, उस तरह से मोर इन्फॉर्म भी शायद ना हूँ, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ सारे में कि जो मेरी एज या मेरी एज ग्रुप के बंदे हैं या इवन जो यंगर हैं, यंगस्टर हैं, कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं और आपको कामयाबी ये नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे मिले, कामयाबी ये है कि आपको एक अच्छी मसरूफियत मिले अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदगी को पर्पस, कोई मकसद मिले। तो मेरा जो पर्पस या मकसद इन सारी वीडियोस का वो ये है कि मैं आप तक ट्रैवल या इन जनरल जो हमारे रोज़मर्रा के जो हम आम वर्किंग क्लास लोग हैं, जो बिल्कुल लोएस्ट तबका है, उसके जो मसाइल हैं और वो जो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ ख्वाब हैं उनके, उनको हम कैसे इन सारे मगरमच्छों के दरमियान रहते हुए पूरा कर सकते हैं। तो खैर ये बात लंबी हो जाएगी, आए मैं आपको ना कॉफ़ी अपनी जो स्पेशल मैं बना के पीता हूँ सर्दी में वो दिखाते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको चाहिए होगा जी दूध, जिस तरह से दूध पत्ती होती है तो ये दूध कॉफ़ी है। उसमें उसके लिए मैंने करना ये है कि जो जितनी मुझे मतलब कॉफ़ी बनानी है, जैसे मैं इस कप में एक कप कॉफ़ी बनानी है, तो ये उस मकदार में मैं दूध ले के तकरीबन मैंने ले लिया जी एक कप दूध ले लिए, ठीक है। इसे मैं डालूंगा जी, इससे पहले कि ये जो दूध का कैन है ये मैं गिरा लूँ, इसको मैं वापस करता हूँ फ्रिज में। तो ये जो एक कप दूध है इसको मैंने, ये छोटी देसकी है, इसमें डाल लिया जी, ये छोटे पैन में पंजाबी भी साथ में मिक्स कर लेता हूँ कभी कभी, तो इसको हमने चला देना चूल्हे पे, ये चढ़ गई बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे, इसको गर्म होने देने, इसे कहते हैं ना कड़ने देने, पंजाबी में कहते हैं कड़न दे उस दूध में, तो उसे कड़ने देने। और उधर आपने ये करना है कि इसमें थोड़ा सा ना दूध, आप देख सकते हो थोड़ा सा दूध इसमें बच गया, ये तकरीबन हाफ अ टी स्पून होगा मैक्सिमम, इसको इसी में रहने देना है। तो जी हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, मैं अब लूँगा कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं यूज़ करता हूँ तकरीबन इसमें अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हैं ज़्यादा, लेकिन एक चम्मच जो है ना, एक से डेढ़ चम्मच जी, ये छोटी चम्मच है, ये तकरीबन आप डेढ़ चम्मच ले लें, ठीक है जी, ये मैंने डेढ़ चम्मच ले ली। अगर आप शुगर इसमें पसंद करते हैं तो जितनी कॉफ़ी आपने ली है उतनी ही शुगर डालनी है, लेकिन मैं ब्राउन शुगर पीता हूँ अगर शुगर लेनी हो मुझे तो मेरे पास ये ब्राउन शुगर पड़ी है, ठीक है जी। ये मैं तकरीबन इसमें डालूंगा ये जी एक चम्मच और ये डेढ़ चम्मच, डेढ़ चम्मच मैंने ब्राउन शुगर डाल दी इसमें। इसमें जो है वो कुछ भी आपने पानी वानी मिक्स नहीं करना है, ठीक है जी। इसमें जो दूध बचा था उसमें अगर आप देख सकें, मैं आपको दिखा सकूं, तो ये काफ़ी उसमें मिक्स हो रही है, देखें ना, इसी थोड़े से दूध के साथ हमने इसे लगाना है रगड़ा चम्मच के साथ। इसमें मैंने डाला क्या है, कॉफ़ी और ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर और कॉफ़ी इक्वल मकदार में डाल के आपने इसे लगाना है रगड़ा। उस वक्त तक आपने इसे रगड़ना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए या एटलीस्ट नियर वाइट ना हो जाए। अब आप बोलेंगे कॉफ़ी का कलर नियर वाइट कैसे हो सकता है, तो ये होगा जी, ज़रूर होगा अगर आप इसे रगड़ा लगाएंगे। तो मिलते हैं रगड़े के बाद। तो ये जी आप ज़रा कॉफ़ी को देखें करीब से, शायद आपको लगे कि इस तरह से वाइट है नहीं, लेकिन यकीन करें कि इट्स नियरली नियर वाइट है।
और इस हद तक भी अगर हो जाए, आप देख सकते हैं इसे ज़रा कि एक काफ़ी जो है ना ये थिक इसका महलूम सा बन चुका है। अब हमने इसमें करना है दूध मिक्स करना है, ठीक है जी। तो दूध मिक्स करने का तरीका ये है कि इसको आपने उतार लेना है। तो ये जी दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने इसे करना है मिक्स, ठीक है। इसके मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने लेनी है एक अदद बड़ी चम्मच, ठीक है। ये मैंने बड़ी चम्मच ले ली और एक एक कतरा करके आपने इसमें डालना है दूध को ऐसे, ठीक है जी। और जैसे ही एक चम्मच डाला इसको हल्का सा हिला लेना है आपने, हिलाते जाना क्योंकि ये एक चम्मच मैं और डालूंगा जी दूध की इसमें, और इसको ज़रा सा हिलाएंगे, ठीक है। ये नखरे वाली काफ़ी है, ये ऐसे नहीं बनेगी। तो ये हमने एक और चम्मच डाली, ठीक है सर। ये हमने इसे हिला लिया और इसी तरह से हम अब क्या करेंगे कि अब दो दो चम्मच प्याज आएंगे, ठीक है जी। पहले एक एक चम्मच, अब दो दो चम्मच मैंने इसमें डालनी शुरू कर दी है। तो ये हिलाना भी साथ साथ शुरू कर दिए, ठीक है जी। और दो चम्मच और डालते हैं, एक दो, फिर इसे हिलाएंगे जी, ठीक है जी। ये हिलगी, वैसे ये एक एक कतरा करके डाली जाता है दूध इसमें, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए अब दो से तीन चम्मच पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है जी। ये थोड़ी सी इसकी बलाई है, वो भी साथ में डाल दी है इसमें, ठीक है जी। तीन चम्मच हो गए इसमें, इसको हिलाना है। और एक दफ़ा हम तीन चम्मच और डालेंगे, एक दो और तीन, ठीक है जी। इसे हिलाएंगे और जब इस हद तक आ जाए, आपका तकरीबन हाफ अ कप हो गई है, तो फिर आपने करना ये है कि आपने बाकी का सारे का सारा दूध इसमें डाल देना है। ये जी दूध चला गया इसमें, सारा दूध इसमें मिक्स हो गया, ये बन गई है। इसकी आप रंगत देख सकते हैं, लेकिन यकीन करें जो इसका टेस्ट है ना, वो आपको बना के ही पता चल सकता है। इसके अलावा मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और सर्दियों में ये आपके लिए एक इंतहाई अच्छी जो है ना वो मशरूब है, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको इंजॉय करूँगा जी, इंग्लिश कुकीज़ तो नहीं है, बिस्किट है इनके साथ।